आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे हैं जो हवा मलिनाथ महाराज जी हैं, जो आज श्री कृष्णा जी के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर जो प्रसाद बांटते हुए नज़र आ रहे थे। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम बीदर शहर में, आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे हैं जो हवा मलिनाथ महाराज जी हैं, जो आज श्री कृष्णा जी के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर जो प्रसाद बांटते हुए नज़र आ रहे थे। क्योंकि हमारा आज यहाँ पर बीदर शहर से यहाँ पर सफ़र हो रहा था, तो इस हाईवे के ऊपर में हमें नज़र आए हवा मलिनाथ महाराज जी और प्रसाद बांटते हुए नज़र आए। ये प्रसाद इसलिए बांटा जा रहा है आज क्योंकि आज श्री कृष्णा जी का जन्मदिन है। और यही नहीं कि हम आपको बताते चले कि हवा मलिनाथ महाराज जी आज यही नहीं, बल्कि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हमें देखने में आता है कि हर जगह वो हर एक मजहब को लेकर, एक मजहब को नहीं बल्कि कई मजहब को लेकर वो अपने अपने अपनी दुआओं से उनको नवाजते हैं। तो आइए इसी के मौके पर हम जानना चाहेंगे कि पप्पू साहब से कि इसी को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। तो सर आज हमें देखने में आ रहा है कि हवा मलिनाथ महाराज जी आज यहाँ पर प्रसाद बांटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये किस मौके पर बांटते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय भारत माता सेवा समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज जी आज बीदर में श्री कृष्णा जन्माष्टमी के प्रयुक्त बीदर में सुबह से लेकर अभी तक एक ट्रक भर के प्रसाद बांटते रहे, भक्तों को दर्शन देते रहे। पिताजी बाबा जी के उनके एक ही इच्छा है कि देश में सब सर्व धर्म सब एक ही रहना, इसमें जात पंथ पक्ष कोई विधा नहीं है। बाबा जी घर से नौ साल से जब छोटे थे ना, जब से घर से बाहर निकलते तब से देश का सेवा करते बाबा जी आ रहे हैं। बाबा के उद्देश्य एक ही है, कोई धर्म पंथ पात कुछ भी नहीं है, सब इंसान एक ही है, सब एकजुट के रहना बोल के बाबा के एक उद्देश्य है। यही ये जो हमारे बाबा जी जो है ना, ये हमारे देश के लिए त्याग जो किया, बलिदान दिया ना, उनके सब पुण्यतिथि रहेंगे, उनके जन्माष्टमी रहेंगे, मनाते आ रहे हैं, आगे वो मनाते रह जा रहे हैं। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। किस मौके पे आज सर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब श्री कृष्ण के जन्मदिन है, उसके मौके के ऊपर भगवान पिताजी ने भक्तों को प्रसाद बांटे जी के। मतलब ये हवा मलिनाथ महाराज के कर्नाटक में मंदिर है क्या? नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया में मठ है, 5 शहर से ऊपर ज्यादा मठ है। हर जगह हर मठ में डेली ना डेली एक ना एक नया रूप से देश के उद्धार के लिए, देश के भलाई के लिए काम चलता रहता है सर हमेशा। और कुछ कहना चाहेंगे? वही सर, हमेशा बाबा देश के बारे में काम करते रहते हैं। हमारा भी जय भारत माता सेवा समिति एक ही विनती है कि सब लोग जात पंथ पक्ष सब छोड़ के, सब एकता से मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ के लेके जाने का हमारी एक इच्छा है। बाबा जी क्या, सब लोग साथ देना सर। आपका नाम? पप्पू पटेल खानापुर। थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये थे हमारे साथ में पप्पू साहब, क्योंकि हमारा बीदर से यहाँ पर सफ़र हो रहा था, तो हमें हमारी नज़र जो जा चुकी है हवा मलिनाथ महाराज पर, क्योंकि यहाँ प्रसाद बांटते हुए नज़र आ रहे। हम भी हवा मलिनाथ महाराज का थैंकफुल हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि हमें देख के बुला के वो शाल से हमें नवाजे। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रही इंडियन न्यूज़। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सीगी मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट केएबी ऑफिस दुबई प्लाजा हमनाबाद। स्पॉन्सर बाय क्यूपी हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। यस महबूब धाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH 65। स्पॉन्सर बाय मेहदी हसन इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया। नॉलेज पार्क हाई स्कूल KHB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। आयुर्वेदिक ग्लैमर शैम्पू विद कंडीशनर इंडियन हेयर ऑयल एंड ऑल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल।